हेलो बच्चा लोग, इस बारी 2001 का क्वेश्चन करेंगे और ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी जितना अपन थ्योरी पढ़ते हैं उस हिसाब से काफ़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वर्क इज़ ए स्टेट फंक्शन, तो अपने को पता है। नहीं भाई साहब, वर्क पार्ट डिपेंडेंट है। इनफैक्ट पीवी वर्क जो होता है उसका ग्राफ के हिसाब से एरिया अंडर द कर्व, ये देखिए, ए से बी जाने में किस पाथ से गए, एरिया अंडर द कर्व चेंज हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व चेंज हो गया तो मतलब पार्ट डिपेंडेंट है। एरिया अंडर द कर्व ही एरिया वॉल्यूम है, सॉरी वर्क है। वर्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीवी कर्व, राइट। तो डिपेंड कर रहा है ना, ये तो बेसिक थ्योरी है। तो फॉल्स पूछा है, वर्क इज ए स्टेट फंक्शन, फॉल्स है ना। तो वर्क एक पाथ फंक्शन होता है, क्लियर पढ़ते हैं अपन। क्यू को भी क्या बोलते हैं, पाथ डिपेंडेंट। तभी तो क्यू को दो तरह का फिर डिफाइन किया था कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो अलग आंसर आएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे है तो अलग फॉर्मूला और आंसर आएगा। नहीं तो सबका सेम आना चाहिए ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर ए से बी जा रहे हैं या कांस्टेंट प्रेशर पे ए से बी जा रहे हैं, इस पे फर्क नहीं पड़ता तो बोल देते हैं कि क्यू स्टेट फंक्शन है। ए से बी जा रहे हैं ना तो ए और बी पे डिपेंड कर रहा है, वो बीच में कहाँ से कैसे जा रहे हैं डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यू को क्लियरली दिख रहा है कि दो सबस्क्रिप्ट की तरह यूज़ करते हैं, क्यू वी और क्यू पी। टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, एकदम सही बात है ना। टी टू माइनस टी वन इसलिए लिख देते हैं, बहुत बार डेल्टा टी देखे होंगे फॉर्मूलाज में। चेंज इन स्टेट, तो बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा हिंट लेना है तो डेल्टा जिसका जिसका देखे हैं ना कि फाइनल माइनस इनिशियल से डेल्टा निकल जाता है मस्त, वो जनरली स्टेट वाले लोग ही होते हैं। तो वर्क का कभी नहीं देखे होगा कि डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन की है, या क्यू का नहीं देखते हम लोग क्यू टू माइनस क्यू वन करते हुए, लेकिन टेम्परेचर का देखते हैं। चेंज इन स्टेट इज कम्प्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड, ट्रू है भाई। स्टेट का चेंज निकालना है, डेल्टा निकालना है तो फाइनल और इनिशियल पता होना चाहिए, बस काम बन जाएगा। वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, एकदम सही बात है। आपको याद होगा कि पिस्टन वाले जो एग्जाम्पल अपन करते हैं केमिस्ट्री थर्मोडाइनमिक में, तो जो वर्क डन होता है वो पिस्टन का बाउंड्री ही तो हिल के बताता है कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, समझना कुछ काम हुआ है मेरे ऊपर, है ना। तो वर्क जनरली बाउंड्री पे होता है, अंदर यहाँ पे थोड़ी पता चलता है कुछ, दिखता तो यहीं पे है ना कि पिस्टन हिल रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो वर्क हमेशा बाउंड्री पे ही अपीयर होता है, ये भी एक ट्रू है। तो इन क्वेश्चन से अपने को ट्रू स्टेटमेंट सीखना है कि अच्छा ये तीनों ट्रू है तो क्यों है। सिर्फ फॉल्स आंसर निकाल करके आगे नहीं बढ़ना है, चारों ऑप्शन को सीखना है कि ये क्यों ये बाकी तीन ऑप्शन ट्रू है, ठीक है, ताकि फ्यूचर वाले क्वेश्चन अगर इनसे बने तो अपने को आता हो। ओके, आई होप समझ आया। चलिए बाय एवरीबॉडी, और थोड़ा लाइक शेयर कमेंट उमेंट किया कीजिए, है ना, ताकि ज़्यादा दूर तक पहुँचे और आपको ऐसा पूरा रेडीमेड मटेरियल एक साथ मिल जाए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आपको एडवांस का प्रैक्टिस करने का मन किया थर्मोडायनेमिक 40-50 क्वेश्चन पीवाईक्यू सारे, तो एक जगह ही मिल रहा है एक फोल्डर पे। इनफैक्ट मैंने पूरा फोल्डर बना रखा है आईडीजेई एडवांस क्लास 11th का अलग, मेंस का क्लास 11th का अलग, और फिर उसके अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है। तो काफ़ी आसान हो गया है काम। आपको जब भी प्रैक्टिस करने का मन किया इन वीडियोज़ को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है, क्रक्स देखना है, तो 2x में देख लीजिए, 1.5x में देख लीजिए, बट एक एक बार देखिए जरूर, क्योंकि सॉल्यूशन लास्ट स्टेप तक बनाया हुआ है। और बहुत बार मैं अपने क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कि भाई इसे ऐसे करना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है पूरा मत सॉल्व कीजिए, 298 केल्विन मत लीजिए, 300 ले लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी काम आने वाले हैं फाइनल एग्जाम में जब आप बैठोगे। ओके, चलिए बाय एवरीबॉडी।